दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपने कभी ना किसी लड़के या किसी लड़की से ये जरूर कहते हुए सुना होगा कि तू मुझे सिखाएगा, औकात में रहे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपने भी जीवन में ये बात किसी न किसी से कही होगी। क्यों ना हम इस चीज़ का फैसला कि ये सही है कि गलत है ये स्टोरी सुनने के बाद करें। दोस्तों एक बार की बात है कि एक आदमी था जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था और अपनी पेंटिंग को हर दिन 1000 रुपये में जाकर बेच देता था, और कभी भी वो 1000 के ऊपर उस पेंटिंग को बेच नहीं पाया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये गुण जो मुझे आता है मैं अपने बेटे को सिखा दूं मरने से पहले। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसको वो सारी बातें सिखाई, और जब उसके बच्चे ने पहली पेंटिंग बनाई तो वो पेंटिंग 200 रुपये में बिकी। उसके पिताजी खुश थे पर बच्चा नहीं। उसने सोचा कि मुझे और सीखने की जरूरत है। तब उसके पिताजी ने उसको और सिखाया और उसने अगले दिन जाके वो पेंटिंग 500 रुपये में बेची। उसके पिताजी तब भी खुश थे पर उसका बच्चा नहीं। उसके बच्चे ने सोचा कि मुझे अभी भी और कुछ सीखने की जरूरत है। अगली पेंटिंग को 1500 रुपये में बेचा, और 1500 रुपये में बेच के जब वो घर आया तो उसके पिताजी ने उसके खुशी होने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि मैंने अपनी पेंटिंग 1500 में बेची है। तो उसके पिताजी बहुत खुश हुए। तब उसके पिताजी ने बोला कि आओ अब मैं तुम्हें और भी कई चीज़ें सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सुन के ही उनके बेटे ने अपने पिताजी से बोला कि अब आप मुझसे क्या सिखाएंगे, आपको मुझसे सीखना चाहिए। आपने कभी भी अपनी पेंटिंग 1000 रुपये के ऊपर नहीं बेची, देखिए मैंने 1500 रुपये में बेची थी, आपको मुझसे सीखना चाहिए। तब उसके पिताजी ने बोला कि बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग 1500 के ऊपर कभी नहीं बिकेगी, तुम जिंदगी भर 1500 में ही बेच पाओगे क्योंकि अब तुमने सीखना बंद कर दिया है। यही बात जो तुमने मुझसे कही थी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है, और यही बात जो तुमने मुझसे कही यही बात मैंने तुम्हारे दादाजी से कही थी कि अब तुम मुझे क्या सिखाओगे, मैंने तो 1000 रुपये में पेंटिंग बेच दी, इसलिए मैं आज तक कभी भी 1000 रुपये के ऊपर पेंटिंग नहीं बेच पाया। दोस्तों इस कहानी से सिर्फ एक ही चीज सीखने को मिलती है कि घमंड, अहंकार और अहम, इन तीन चीज ये आपको अंदर से खोखला बना देते हैं, ये आपको आपकी लिमिट को क्रॉस करने से रोक देते हैं, ये आपको और एक लिमिट के अंदर बांध देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है और आपको अगर ये तीन चीज़ आ गई कि अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीख लिया है, तो आप समझे कि आपका पतन होना चालू हो जाता है। जीवन में दोस्तों एक बार जरूर ध्यान रखिएगा कि सीखना कभी मत छोड़िएगा। कोई ना कोई आपसे भी ज़्यादा समझदार है, हो सकता है, और अगर आप उसे सीख लेते हैं तो आप और भी तरक्की करेंगे अपने जीवन में, और जिस ऊंचाइयों पे हैं आप उन ऊंचाइयों से ऊपर भी आप उठेंगे। अगर आपको लगता है कि तू मुझे क्या सिखाएगा ये थ्योरी अगर अपना रहे हैं तो उसको चेंज कर दीजिए और तू ही मुझे सिखाएगा ये थ्योरी को अपना लीजिए, तो जीवन में आप बहुत सफलता पा सकते हैं। इस स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर इसी तरह बने रहिए, हर डेली का हर दिन एक वीडियो देखिए और अपनी लाइफ को अपने आप को मोटिवेट कीजिए नए नए काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।